हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट रिशा। मैं हूँ रिशानी। आज मैंने फुल फेस मेकअप कर लिया है लेकिन आईब्रोज़ नहीं किया है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आईब्रो ट्यूटोरियल। आई एम नॉट ब्लेस्ड विद दैट डेंस आईब्रोज, सो आई लव टू ड्रॉ माई आईब्रोज। डेली बेसिस में नहीं करती हूँ बट कभी कभी मैं कर लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैं आईब्रोज़ फील करती हूँ। ये आप में से कोई अगर बिगिनर है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मिस क्लेयर का एक आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्लैक, और यही आईब्रो पेंसिल से मैं अपनी आईब्रो को आउटलाइन कर लूँगी। अब मैं सामने एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जस्ट आउटलाइन ही करना है, अभी मैं फिल नहीं कर रही हूँ। एंड फिर मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक छोटा सा आर्च ड्रॉ किया है, जस्ट स्लाइटली ड्रॉ किया है, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी मैं, बहुत ही हल्के हाथों से करना है आपको एंड धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैंने एकदम नीचे तक नहीं लाया है लाइन को, मैंने जस्ट फ्रंट किया है एंड मिडिल में किया है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने जस्ट फ्रंट में एक लाइन ड्रॉ किया है नीचे के तरफ। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्पूली, ये भी मिस क्लेयर का पेंसिल है एंड इसके बैक साइड में मुझे स्पूली मिला था, तो उससे मैं ब्रश कर लूँगी हेयर्स को। एंड सेम स्पूली से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ एट द सेम टाइम। एंड इसके बाद आप कोई भी ऐसे एंगुलर ब्रश ले सकते हैं, ब्राउज़ को फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मिस क्लेयर का डार्क ब्राउन आई शेडो है, मैं आई शेडो के हेल्प से ही मैं फिल करूँगी। तो बहुत ही हल्के हाथों से फिल करना है एंड इसके आगे में मुझे नहीं जाना है, इसके बीच में मुझे रहना है, थोड़ा थोड़ा करके मुझे फिल करना है। आप कोई भी आई शेडो यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, पहले ही ज़्यादा डार्क मत कीजिए नहीं तो बाद में वो एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बीच में अगर फिल हो जाए उसके बाद जो भी कलर बचेगा ब्रश में उसी से मैं अपने फ्रंट का जो पोर्शन है आईब्रो का उसको मैं धीरे धीरे फिल कर रही हूँ ताकि बहुत ही हार्श ना दिखे एंड नेचुरल रहे। एंड फिर मैं अपने लेंथ को भी वैसे ही डिफाइन कर रही हूँ, जो भी कलर ब्रश में बचा हुआ है उसी से। मार्केट में ऐसे बहुत सारे आई शेडो, सिंगल आई शेडो मिलता है एंड आप चाहे तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं एज़ यू विश। एंड अगर आपके पास कोई पुराना आई शेडो पैलेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डार्क कलर्स है, लाइक डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक, ऐसे कुछ कलर्स अगर अवेलेबल है देन यू कैन यूज़ दैट। आप उससे भी आईब्रो फील कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरल लुक आएगा। तो मैं जो प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ ऐसे अगर आप आईब्रो फील करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर अपने आईब्रोज़ को क्लीन करने के लिए, जो आउटसाइड पोर्शन है आईब्रो ड्रॉ करने वक्त बहुत ही ब्लैक कलर्स जो ब्लेंड हो जाता है अपनी स्किन के साथ आउटलाइन से निकल जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए कोई भी कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं आपके पसंद का। और अगर वो आपका स्किन टोन से थोड़ा लाइटर हो तो वो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं कैसे दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। एंड फाइनली आप थोड़ा टचअप देने के लिए यहाँ पे ब्रश कर लीजिएगा अपने हेयर्स को। आपके पास अगर ब्राउ जेल नहीं है, ब्राउ जेल जो कि यूज़ होता है ब्राउ को सेट करने के लिए ताकि आपने जो हेयर ब्रश किए हैं वो इधर उधर ना जाए और अपने जगह में टिका रहे, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मस्कारा जो मैं यूज़ करूँगी। तो मेरे पास ऐसा कोई ब्राउ जेल नहीं है और मुझे उतना पसंद भी नहीं है कि मैं मस्कारा से ही सेट कर लेती हूँ, तो बस हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से आपको सेट करना है।
myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions love me. आप देख सकते हैं मेरे दोनों आईब्रोज में बहुत ही डिफरेंस है, तो मैं फटाक से ये वाला भी कर लेती हूँ। सो आई एम बैक। मैंने अपने दूसरे आईब्रो को भी फिल कर लिया है वैसे ही सेम जैसे मैंने ये किया था, एंड आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिशानी। आप पहले मेरे वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको पसंद आते हैं देन ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटू सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब जब वीडियोज़ डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन जल्दी ही जा सके और आप मेरे वो वीडियोज़ पहले ही देख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।